सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को जागृत करने के लिए उन्होंने मुझे आपको मौजूद किया। मैं समझता हूँ क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेजर इशू है और जब तक इस इशू के ऊपर प्रॉपर अवेयरनेस पाकिस्तान में क्रिएट नहीं की जाएगी तब तक मैं समझता हूँ हम इसके जो मनफी असरात हैं उसको निपटने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं समझता हूँ दुनिया भर के अंदर यूथ इज द एजेंट ऑफ चेंज, यूथ इज द मैकेनिज्म जिसके जरिए आप तब्दीली सही मामलों में ला सकते हैं और वो तब्दीली ऐसी होती है जो कि सस्टेनेबल होती है, जो दुरुस्त होती है। तो मैं जो आपका आइडिया है कि यूथ के साथ इंगेज करें, यूथ को इन्वॉल्व करके, यूथ को सेंसिटाइज करके, यूथ को समझा के आप उनसे बात करें, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही आपकी स्ट्रेटजी है। अगर यूथ इस मामले को समझ पाएगी, इसकी सेंसिटिविटी को समझ पाएगी, तो वही यूथ वो घर की बच्ची, घर का बच्चा अपने घर के बड़ों को समझा पाएगा, अपने बुजुर्गों को समझा पाएगा, अपने वालदैन को समझा पाएगा। और जो माशरे में हमको तब्दीली लाने की ज़रूरत है उस तब्दीली को लाने में आपका किरदार अदा करता है। मुझे और ज़्यादा खुशी स्टेज पर अक्सर घर से आए बच्चों को देख कर हुई कि मेरे ख्याल में जर्मनी में बैठ के, जापान में बैठ के, वाशिंगटन में बैठ के कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इतने छोटे छोटे इलाकों में, इतने दूरस्थ इलाकों में भी पाकिस्तान में माँ बाप को जागर करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए काम किया जा रहा है, एफर्ट की जा रही है। तो ये जिन बच्चों को आप सिंध के दूरस्थ इलाकों से यहाँ कराची लेकर आए हैं, जर्मन एक्सपर्ट्स उनके सामने बैठे हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स उनके सामने बैठे हैं, उनको बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव सिनर्जी है जो कि वो लेके जाएंगे अपने अपने इलाकों में वापस और लोगों को समझा पाएंगे कि बैनुल अक़वामी तौर पर और शहरों में और ममालिक में किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए हुकूमतों ने काम किया। जो जर्मन एक्सपर्ट की बात सुन रहा था उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिसको आप सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं छोड़ सकते, शहरियों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। और पिछले दो ढाई तीन सालों में जो सिंध के अंदर बारिशों से तबाही हुई है वो शो करता है कि क्लाइमेट चेंज सुबह सिंध के लिए कितना सिवियर इशू है, कितना मेजर इशू है। तो मैं समझता हूँ वो अकवाम जो कि प्रोएक्टिवली काम करते हैं, जो अपनी रिसर्च करते हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो सही मानों में मामला को रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी एफर्ट है आपके पार्ट पे कि आपने लीड ली बच्चों को, यूथ को, ख़वातीन को, मर्द हज़रात को, यूनिवर्सिटी कॉलेज के तालिबों को यहाँ पर बुलाया सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइमेट चेंजेस, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन अप्रिशिएट व्हाट आर द रैमिफिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज and they can also come up with solutions as to how can we address climate change, and the government and the society can then work together, can collaborate with each other to find a sustainable solution to climate change. आखिर में मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज के असरात तो हम सब फेस कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, लेकिन कोविड के असरात से निपटने के लिए हमको इस वक्त आज की तारीख में अपना किरदार अदा करना है। और जहां आप लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मैं समझता हूं उस तरह के फोरम्स को कोविड के हवाले से भी आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि लोग समझ सकें। मैं यहां पर देख रहा था जब मैं आया लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा तमाम लोगों को कि वैक्सीन तो शायद 6, 8, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद आएगी, इस वक्त जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो ये मास्क है। हमें अपने चेहरे को ढांपने की ज़रूरत है, अपने चेहरे को कवर करने की ज़रूरत है। हम जो मास्क अपनी जेब में रखते हैं, अपने पर्सेस में रखते हैं, अपनी गाड़ियों में रखते हैं, मैं समझता हूँ हमें इस आदत को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें मास्क को इस्तेमाल करके अपने चेहरे को ढांपने की ज़रूरत है। जिनके पास मास्क नहीं है वो दुपट्टे के ज़रिए, किसी कपड़े के ज़रिए अपने अपने चेहरे को, अपने मुंह को, अपनी नाक को ढांक सकते हैं। मैं लोगों को देखता हूँ कि वो मास्क जिनमें पहना भी होता है तो मास्क को यहाँ ठोड़ी पर रखते हैं। मैं और किसी को देख रहा हूँ जिसने मुंह कवर किया है, नाक को कवर नहीं किया। मैं समझता हूँ ये एंड दिस इज ऑल इन गुड ह्यूमर, तनकीद में नहीं करा किसी को,
हमें आज अपनी इस्तेमाल करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि मास्क पहनना आजकल के हालात में हम सबके लिए लाजमी है, और जब तक हम अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ किसी और इशू पे मामला को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए द गुड माइंड्स हैव टू सर्वाइव, द गुड माइंड्स हैव टू लिव टू फाइट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अगर खुदा खासकर कोविड से हम सब असरअंदाज हो जाते हैं तो उसका भी बड़ा नुकसान हम सब के ऊपर होगा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात को निपटने की बात करें, उसके साथ साथ ये मैसेज भी जाना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस से कि हम सब जिम्मेदार शहरी हैं। जिस तरह हम जिम्मेदारी के साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच रहे हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ हम कोविड को भी देखेंगे, और जो जो एहतियाती तदाबीर हमें उठाने की ज़रूरत है हम सब उठाएंगे। इस बात के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।